मैंने जब बोला उन लोगों को बिल दे दीजिएगा, तो वो लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ऐसा लगा के पता नहीं मैंने उसको क्या मांग लिया जो मुझे मांगना नहीं चाहिए था। बहुत दिनों बाद अच्छा वाला फिश मिला, ये टेंगड़ा है। डिफरेंट लग रहा है ना मेरा हेयर, आई होप कि डिफरेंट लग रहा है पर अच्छा लग रहा होगा। जो भी अभी तक का वेजिटेबल वाला जा रहा है तो ऐसा आवाज आ रहा है, दिखाती हूँ। वेजिटेबल वाले जा रहे थे तो आवाज सुनाई दिया, फिश वाले आज बाय द वे मैंने थोड़ा सा बहुत दिनों बाद फिश लिया। फिश एक्चुअली या तो एक ही तरीके का मिलता है या तो जो मैं नहीं खाती हूँ वो मिलता है, अदरवाइज कभी कभी मिल जाता है। जब मिल जाता है जैसे आज जैसे मिला तो मैंने ले लिया, आई जस्ट टुक वो नॉर्मल जो रोहू फिश होता है वही मैंने लिया। फेस पे मैंने पूरा अप्लाई कर लिया है, अभी मैं इसको अलाउ करूंगी जब तक वो पूरा ड्राई ना हो जाए। फेस पे ये ड्राई होते होते ना मैं अपना ड्रिंक भी बना लूंगी, क्योंकि आज मैं सिर्फ अपना हेल्थ ड्रिंक पीऊंगी और मुझे आज ब्रेकफास्ट करने का मन है नहीं, पर आई जस्ट वांट टू हैव जस्ट हेल्थ ड्रिंक, दैट्स इट। जो मैं हमेशा पीती हूँ अपना प्रोटीन एक्स। में अच्छा, माय गुडनेस, अभी तक जो मैं बोल रही थी, जो अभी बोलने वाली हूँ, मैं और भी पहले भी बोल चुकी हूँ पूरा बंगाली में, फिर भी आई रियलाइज कि ये हिंदी ब्लॉग हो रहा है। एनीवे, ये जो मैंने फेस पे लगाना, जस्ट वेरी सिंपल थिंग, मैंने ऐड किया है मिल्क, ट्यूमरिक, अ पिंच ऑफ ट्यूमरिक, ज्यादा नहीं। आप चाहो तो वो जो क्या बोलते हो ना उसको, मलाई जो होता है उसको ऐड कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ मिल्क आप मलाई दे सकते हो, या मिल्क के साथ थोड़ा मलाई भी दे सकते हो, कंसिस्टेंसी थोड़ा ठीक होगा। एंड मैंने ऐड किया है हनी, तो मैंने एक ब्लॉग में दिखाया था, एक वीडियो में एक्चुअली दिखाया था, मैंने उसको मिक्स करके डायरेक्ट तभी मैंने उसको अप्लाई किया, पर कंसिस्टेंसी जो है बहुत वाटरी हो जाता है तो ड्रिप करने लगता है। सो द बेस्ट वे मैं बोलूंगी, ताकि आप पूरा अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ, जो आइस ट्रे में उसको यू नो दे के फ्रीज कर लेना, फ्रीज करने के बाद जब चाहे आप उसको यूज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी किया है। एक चीज याद रखना, जब भी बॉडी टेम्परेचर के साथ आता है बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, अलाउ इट टू ड्राई। जैसे मैंने अभी आप देख रहे हो ना स्टिकी लग रहा है, क्योंकि अभी वो पूरा सूख गया, एंड यू फील अ लिटिल स्ट्रेची, टाइट टाइट आपको फील होगा, तो उसको करने से ना क्या होगा, बहुत अच्छे से स्किन अब्जॉर्व कर लेगा। एंड वॉश इट ऑफ विथ कोल्ड वाटर, जो मैं अभी करने वाली हूँ। ब्रेकफास्ट आप लोगों ने देखा, जो जस्ट नाम का ब्रेकफास्ट था। ये सब करने से ना बेसिन पूरा गंदा हो जाता है, फिर मुझे धोना पड़ेगा ऑफ कोर्स। दिस वर्क्स वेरी गुड, ट्रस्ट मी, क्योंकि मिल्क रहता है। दिस इज द थिंग ना, आप एवरीडे यूज कर सकते हो, आप जो भी यूज करो, जितना भी मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मैं फिलहाल तो यूज करती हूँ मैक्सिमम बॉडी शॉप का और खादी का एक दो प्रोडक्ट यूज करती हूँ मैं, और मॉइस्चराइजर फिलहाल मैं यूज कर रही, बॉडी शॉप का मैंने दिखाया था, और मैं दूसरा यूज करती, मेरा अगेन फेवरेट वो सिटाफिल का, जो बहुत अच्छा है, जो कैलकटा में जरूरत नहीं होता है, बहुत ह्यूमिडिटी है। नेचुरल लाइट में एक बार दिखा देती हूँ कि फेस कैसा लग रहा है, एक मिनट। मैं मॉर्निंग में उठ के फ्रेश होके मैं जस्ट फेस वॉश से अपना फेस जो है क्लीन किया था, वॉश किया था, उसके बाद डायरेक्टली ये वाला जो क्यूब मैंने निकाला था वो अप्लाई किया, और ये मैं क्या बोलूँ, अभी तक लास्ट दो दिन एक्चुअली मैं नहीं कर पाई थी,
क्योंकि मैं भूल गई थी ऑनेस्टली बोलूँ, थोड़ा लेट से भी उठी थी, बाहर गई थी, तो इस चक्कर में नहीं हुआ था। पर ऐसे आप बोल सकते हो उससे पहले 3-4 दिन यूज़ किया, लास्ट 2 दिन नहीं यूज़ किया, फिर आज यूज़ किया, एक ग्लो आपको नेचुरली दिख रहा है। अभी मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है बाय द वे फेस पे। और ये आप पूरा लिप्स पे दे सकते हो एंड योर अंडर आई, पूरा फेस पे, ऐसा नहीं कि आपको इधर पे छोड़ देना है। और मिल्क बहुत बहुत अच्छे से काम करता है। मैं जो मलाई होता है मैं नहीं खा पाती हूँ, मलाई मुंह में आने से ना चाय में, कॉफ़ी में या दूध जब आप गर्म करते हो वो हो जाता है, मलाई मेरे ग्लास पे कप पे आ जाना तो मुझे उल्टी हो जाता है। पर आई लव टू अप्लाई इट, ट्रस्ट मी, लगा के देखना। मतलब आई थिंक सबको ही पता है ये मलाई या दूध वाला चीज़, तो वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन। Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. One family. Hey. One dream. Hey. Now. Hush. Come here, Mumbai Indians. Staying up all night, throwing drinks back. बस देखो गुस्से में क्या हो रहा है उसको। hey, दीदी कहां से उसको न्यूज़पेपर मिल गया। बस छाड़ो 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 छाड़ो। बहुत दिनों बाद अच्छा वाला फिश मिला। ये टेंगड़ा है तो मैं बस इसको ऐसे ही वॉश कर लिया है, बस इसको क्लीन रैप से सेपरेट करके रखूंगी। और अच्छा फिश मिला। अभी फिश तो बाजार में अच्छा मिलता नहीं और ना ही सब्जी, पता नहीं यार क्या चिकन खाओ कितना चिकन खाओ। तो आज अच्छा मिला तो टेंगड़ा माछ लिए, और लिए है तो रोहू वाला, ये मैं बाद में दिखाती हूँ, अभी निकाल के उसको वॉश करना है। और ये रहा रोहू फिश, थोड़ा सा एक था, ज़्यादा तो था नहीं। और मैंने फिश हेड भी लिया, ये रहा फिश हेड। इसके साथ मैं और एक पीस मैं ऐड करूँगी और मिनी का फिश रेडी होगा, उसका कल का चिकन ख़त्म हो गया रात को ही। और ये कुछ और पीसेस जो मैं सेपरेट करके रख दूंगी। लंच किया, लंच करने के बाद थोड़ा कुछ काम करी थी जो मोस्ट प्रोबेबली मेरे दूसरे चैनल पे आएगा, कुछ डेकोर रिलेटेड। सोचा के इतना दिन से सोच रही डेकोर करूंगी करूंगी, पर फाइनली नहीं कर पा रही थी लाइक जितना भी प्लान था। सो कुछ चेंजेस मैंने बालकनी में किया है, और साथ में मैं रूम में भी थोड़ा प्लान है, अभी तक पूरा नहीं किया है। तो वो सब कुछ कुछ कर रही थी जो आएगा मोस्ट प्रोबेबली मेरे दूसरे चैनल पे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं द फॉरिजन फैमिली तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा उस पर। अगर फिलहाल मैं जा रही हूँ बाहर, थोड़ा तिघरिया जा रही हूँ, थोड़ा काम है। सो दो तीन चीज़ लेना है, थोड़ा दवाई भी लेना है इमरजेंसी के लिए। जो दवाई मेरे घर में रहता है वो एक दो लाइक एक्सपायर हो गया है, कुछ ख़त्म हो गया है, तो वो सब भी लाना है। और थोड़ा बहुत देखते हैं बाजार में कुछ मिलता है कि नहीं, क्योंकि मुझे फ्रूट्स लाना है। बाहर बारिश हुआ था अभी तक रास्ता पूरा गीला है। मैं सोची याद से मुझे विंडो ना बंद करके जाना, अगर फिर से बारिश हुआ तो यार उधर से कुछ कर भी नहीं पाऊंगी, पूरा कर्टन वर्टन भीग जाएगा। रूम का भी मेरा विंडो खुला था तो उसको भी बंद कर दिया। ये मैं लगाई हूँ, मैं सोची यार कितना फीका लगा लिपस्टिक, फिर मुझे याद है क्या लिपस्टिक लगाओ, फिर तो मास्क ही पहनना है। फिलहाल आई जस्ट अप्लाइड माय लिप बाम, दैट्स इट।
तो जाने से पहले सब लिख ले रही हूँ, अदरवाइज मेरा क्या होता है, बाजार में जाऊंगी आधा चीज भूल जाऊंगी, आधा चीज लेके आऊंगी फिर सोचूंगी घर आने के बाद याद आएगा, अरे ये तो लाया ही नहीं, फिर से डबल बार जाना होगा यार। इससे बेटर मैं हमेशा बाहर जाती हूँ तो मेक श्योर मैं लिख के लेके जाती हूँ। और वही बाजार में जाना है, जैसे बोला फ्रूट्स लेना है मुझे, भगवान के लिए भी कुछ लेना है, वो मिट्टी का पता नहीं कैसा प्लेट जैसा होता है छोटा, कुछ प्लान है तो होपफुली मिल जाएगा, दो तीन दुकान है इधर पे। और सोफ़ा यू नो कुशन्स वुशन्स बनाते हैं इधर पे, तो वहाँ पे भी जाना है अगर खुला रहेगा तो। उसके लिए आई एम रियली डाउटफुल एक्चुअली, मेरा चेहरा कैसा लग रहा है ना, मैं सो के उठी आफ्टरनून को तो ऐसा लग रहा है। रूम का लाइट सब इतना कम, उसका पावर हो गया ना, बहुत कम लाइट होता है, उसको चेंज भी करना है। अरे पता नहीं आज होगा कि नहीं, क्योंकि वो पूरा सेट जो है चेंज करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा उसके लिए। पर इतना काम जो है ना ड्यू हो जाता है ना, तो एक साथ भी होता नहीं है, प्रॉब्लम होता है। एज यूजुअल गर्मी तो है ही, घर में आ गई, हेजी क्यों आ रहा है। अच्छा तो बात है, मैंने बोला था कि मुझे कुछ मेडिसिंस लेना है, लाइक जनरल मेडिसिंस, तो मैं लेती हूँ नॉर्मली लेती हूँ यू नो अपोलो से, मैं भूल जा रही हूँ, अपोलो से लेती हूँ एंड मेड प्लस से लेती हूँ। अपोलो से ज़्यादा लेती हूँ बिकॉज मेरा ऑन द वे में ही वो अपोलो का यू नो स्टोर है, शायद मैंने जाते समय दिखाया था, आते समय तो इतना बैग हो गया कि रिक्शा भी नहीं मिला ना कुछ मिला, तो वैसे ही मुझे आना पड़ा, दो इट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर, एक्चुअली क्या ना ह्यूमिडिटी के लिए प्रॉब्लम होता है। तो एनीवे, तो अपोलो का मेरे पास कार्ड भी है तो वही मैं यूज़ करती हूँ। अभी बाज़ार से जब आते समय उधर पर भी और बहुत सारे मेडिसिन की दुकान है, तो मैंने ना जनरल मेडिसिन लेने गई थी, जनरल ऐसे मेडिसिन लेने गई थी जो यू नो इमरजेंसी के आप घर में रखते हो, तो वही सब लेने गई। तो मैंने उनको बोला कि यू नो मतलब बिल दे दीजिएगा इन केस अगर कुछ ज़रूरत हो बाद में, बिकॉज ऑफ कोर्स मेडिसिन है, मैं मेडिसिन का हमेशा बिल लेती हूँ, क्योंकि अगर आप मेड प्लस में बहुत कम जाती हूँ, आसपास उतना है नहीं इधर पे, तो अपोलो से लेती हूँ तो आप जितना मेडिसिन लोगे उसका बिल भी देगा और उसके हिसाब से आपको पैसा भी देना, लाइक यू डोंट हैव टू इवन आस्क फॉर इट। तो ऐसे नॉर्मल जो मेडिसिन शॉप होते हैं वहाँ पर बहुत सारे, तो मैं सोची चलो ले ही लेते हैं। तो मैंने जब लिया तो उन्होंने बोला कि इतना यू नो प्राइस है, तो मैंने बोला कि बिल दे दीजिएगा, तो मैंने जब बोला उन लोगों को बिल दे दीजिएगा, तो वो लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं ऐसा लगा के पता नहीं मैंने उसको क्या मांग लिया जो मुझे मांगना नहीं चाहिए था। तो एक जन बोल रहा है कि आपको कागज़ में लिख देंगे तो होगा ना, हम बोले कागज़ में लिख देने से मतलब एक ही बात है ना, बिल देंगे तो अगर मुझे इनकेस कुछ ज़रूरत हो, मेडिसिन का बात है तो आई नीड दैट बिल ना, बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम है बहुत कुछ हो सकता है, बिकॉज आप कभी भी जाओ मेक श्योर मेडिसिन का बिल आपको लेना है, बिकॉज ये सब दुकान में नहीं देते, विच यू शुड ऑलवेज हैव इट विथ यू। तो वो लोग अपसेट हो गए क्योंकि चेहरा देख के मुझे समझ में आ गया, तो भाई मैंने बोला या तो आप बिल दे दो नहीं तो इट्स ओके मैं दूसरी जगह से ले लूंगी, तो दे बिकम रियली अपसेट, जो कि होना नहीं चाहिए था, मुझे इनफैक्ट मांगने का जरूरत नहीं होना चाहिए था, उन लोग को पहले ही देना चाहिए था ये सब चीज़ें, जो मैं बोलूँगी यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, और उसके एक्सपायरी क्या डेफिनेटली आप कहीं से भी लोगों तो देखना ही है, पर यू नो बिल लेना आई वुड से कि हमेशा बिल लेना चाहिए। आके फ्रेश हुई, गर्मी भी लग रहा है पर इट्स ओके ना, आज खाना बनाने में कोई ना टेंशन है क्योंकि लंच में बना के रखी थी, फिश मैंने दिखाया था, एक्चुअली रेसिपी मैंने नहीं दिखाई, इस ब्लॉग में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो मैं काम करूंगी, इफ यू वांट टू सी मैं दूसरे चैनल में दे दूंगी, पर इसमें ज्यादा हो जाएगा इसलिए मैंने स्किप किया उसको। फेस से भी अच्छा लग रहा है ना, स्वेट हो जाता है यार, कैसा लगता है ह्यूमिडिटी में, और एक्चुअली गर्मी इतना नहीं है आज, टेम्परेचर मुझे नहीं पता, आज मैंने सुबह को ही चेक किया तो शाम को चेक नहीं किया है, मैं हमेशा लाइक एवरीडे मैं कहीं पे भी रहूं एवरीडे मैं टेम्परेचर जरूर चेक करती हूँ। जहाँ पे मेरा दूसरा घर है, मतलब जहाँ पे इन लॉज रहते विकास का घर है,
तो वो वाले हम लोग का घर का उधर का चेक करती हूँ, बारिश हो रहा है नहीं हो रहा है। कभी कभी विकास को बोलती हूँ कि यू नो वहां पे बारिश हो रहा है, पता है कितना अच्छा है वेदर, पर उधर पे एक्चुअली वेदर इधर से ज्यादा ठीक रहता है। फिर भी कलकत्ता में फिलहाल अभी यार इस महीने तो इतना गर्मी नहीं रहता है, ट्रस्ट मी, अभी पूजा आने का टाइम हो, एटलीस्ट यार इस महीने तो इतना गर्मी नहीं रहता है बिकॉज पूजा आने वाला है। फिर भी इतना गर्मी है, गुडनेस, मैं अभी फेस वॉश करके, मेरा फेस वॉश खत्म हो गया, कब से मैं बोल रही हूँ, मैं अभी तक उसका ऑर्डर प्लेस नहीं किया, आज करना ही, नहीं तो और शायद एक ही बार होगा या दो बार, मुझे याद ही नहीं था कि उसका ऑर्डर प्लेस करना है। तो ऑर्डर प्लेस करूंगी मैं मामाअर्थ का करूंगी, तो बहुत सारे एक्साइटमेंट मिलता है। अरे मैं एक चीज दिखाना भूल गई, वेट, सो ये दिख रहा है क्या है, मिल्क केक है और बूंदी है। मेरी फ्रेंड जो है वो, मतलब मैं मीठा खाती हूँ बहुत कम, उतना ज्यादा नहीं, तो आप लोग बहुत कम देखते होंगे मैं मीठा खाती हूँ, तो जबरदस्ती वो देखे गए क्योंकि वो भी खरीदी थी, तो मेरे लिए भी वो खरीद के लेके आई। सो मिल्क केक शी नोज दैट आई लव, तो दूसरा भी लेना है, नहीं भाई जस्ट दो लेके आना। और बाय द वे बूंदी उसने बनाया है पहली बार, तो मैंने टेस्ट किया, टेस्ट गुड, मैं कभी नहीं बनाया पर एक दिन जरूर बनाऊंगी और शेयर करूंगी, क्योंकि मीठा उतना नहीं खाती हूँ तो इसलिए अभी फिलहाल तो बनाया नहीं, पर बनाऊंगी जरूर। चलो मिठाई के साथ यार व्लॉग आज एंड करती हूँ, इधर पे वीडियो, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूजा के लिए स्पेशली मैं कुछ प्लान कर रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट, जो पूजा ओरिएंटेड हो, दुर्गा पूजा जो फेस्टिव सीजन अभी स्टार्ट होने वाला है, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा मैं प्लान कर रही हूँ, वो पोस्ट करूंगी, मिठाई भी अभी खाऊंगी। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड ऑल योर लव, डोंट फॉरगेट टू स्प्रेड लव। अब पूजा के लिए प्लान जोर जोर से कीजिए, अभी टाइम है दो, सो चीयर्स।